एग्जाम्पल नंबर दो, जैसा कि एक एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कोई एक फंक्शन है ऐसा, और यहाँ से फिर ऐसा, फंक्शन किसी भी तरह से हो सकता है। मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट x बराबर मैंने 8 लिया, x बराबर मैंने 8 ले लिया। सपोज यहाँ पे मेरे पास इस 8 को पहुँचने का दो तरीका है, इधर से जाऊँगा लेफ्ट हैंड लिमिट से, और ये क्या है मेरा राइट हैंड है। दो तरीका पहुँचने का, जब मैं लिमिट LHL निकाला, LHL का मतलब हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 8 माइनस fx। जब मैं 8 माइनस fx था उसमें फंक्शन की वैल्यू ये मिला मुझे, सपोज ये 12 दे दिया। और जब मैं RHL निकालूंगा, RHL का मतलब हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 8 प्लस का मतलब मैं इधर से इस पॉइंट पर, दो तरीका है आने का, एक इधर से एक इधर से, तो मैंने इधर से गया और इधर से आया। और इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है, सपोज कि फंक्शन का वैल्यू ये 20 आ गया, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। और एट एक्स बराबर ए पर तो गैप है, यहाँ पे तो लगातार ही नहीं, यहाँ कोई फंक्शन पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ देयरफॉर कि LHL जो है वो डज नॉट इक्वल टू RHL है, और डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, F8 के बराबर। इसका मतलब मैं बोलूँगा कि देयरफॉर FX इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना पे, एक्स बराबर 8 पे। ये दूसरा सा एग्जांपल था जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने यहाँ पर मैंने बताया कि अगर ये बाय डिफरेंसेस से देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, मैं इधर से जाऊँगा और फिर यहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ पेन उठाने की जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गैप है, मैंने बीच में ब्रेक है, बीच में ग्राफ टूटा हुआ है, बीच में ग्राफ ब्रेक है, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। जबकि यहाँ पर हम देखें पीछे वाला वीडियो में, ये मेरा ग्राफ है, वो ये ग्राफ जो है, ये मेरा लगातार है, कहीं पर ब्रेक नहीं है। तो जब कहीं पर ब्रेक नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट ए पॉइंट की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्या होगा, तीनों वैल्यू किसके बराबर होगा, इस 10 के बराबर होगा। तो मैं फंक्शन बोल दूंगा क्या, कि जो देयरफॉर fx है, fx क्या है, कंटिन्यूअस है।